हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपके साथ फिर से एक बार ज्योग्राफी के तीसरे पार्ट में, जैसा कि आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 है और अभी तक भारत का परिचय चला हुआ है। तो आज हम देखते हैं भारत के परिचय में भारत की समुद्री सीमा के बारे में और समुद्र की भारत की स्थल सीमा के बारे में कुछ जानकारी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो बात करने लगे कि भारत की समुद्री सीमा के बारे में, हम पहले बात करते हैं कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है। तो यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर और गुजरात तक, जो आपको ये जल दिखाई दे रहा है, जल नहीं है, ड्रॉ कर रखा है मैंने जल की तरह, समुद्र की तरह ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो आपको ये दिखाई दे रखा है, ये क्या कहलाएगी? भारत की जल सीमा कहलाएगी। तो बात करें भारत की जल सीमा की, भारत की जल सीमा या तटरेखा कितनी लंबी है? तो भारत की जो तटरेखा है, भारत की तटरेखा की लंबाई यहां पर लिख देते हैं भैया, भारत की तटरेखा, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर, यहाँ से लेकर और ऐसे घूम के आएंगे और यहाँ तक कितनी लंबी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसके अंदर हम, जैसे कि हमारे ये द्वीप समूह हैं इधर भी और इधर भी, अगर द्वीप समूह की तटरेखा को भी और जोड़ दें, तो द्वीपों की जो तटरेखा है, द्वीपों की तटरेखा, तो ये हो जाएगी 1416 किलोमीटर। तो द्वीपों की तटरेखा हो जाएगी 1416 किलोमीटर। अगर दोनों की कंबाइंड करने लगे कि कुल तटरेखा कितनी हो जाएगी, तो भारत की कुल तटरेखा हो जाएगी, कुल तटरेखा दोनों को ऐड कर देंगे तो 7516 किलोमीटर। तो भारत की कुल तटरेखा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत की तटरेखा पर स्थित हैं। तो भारत के 9 राज्य भारत की तटरेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो 9? यहाँ पर ये गुजरात, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे यहाँ गोवा, गोवा से नीचे चलेंगे कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे यहां पर ये केरल, केरल के पूर्व में ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर यहां पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर चलेंगे यहां पर उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर यहां पर चलेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये भारत की तटरेखा पर स्थित राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? 9। सबसे पहले गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उससे नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे केरल, केरल के पूर्व साइड में तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, उससे ऊपर उड़ीसा और उससे ऊपर की साइड पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 राज्य हमारे तटरेखा पर स्थित हैं। बात होती है कि सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? तो जो सबसे लंबी तटरेखा है वह है गुजरात की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबी तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी। तीसरे नंबर पर जो तटरेखा सबसे लंबी है वो तमिलनाडु की, तमिलनाडु की तटरेखा सबसे लंबी हो जाएगी। बात करने लगे सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो सबसे छोटी जो तटरेखा है वो है गोवा की, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की हो जाएगी।
गोवा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे छोटी पश्चिम बंगाल की, ये दूसरे नंबर की सबसे छोटी तट रेखा हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा पर स्थित हैं? तो यहाँ पर दमन और दीव, यहाँ पर पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ भी पांडुचेरी के, तो पांडुचेरी के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ ये हैं, यहाँ पर दमन और दीव, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर पांडुचेरी, यहाँ भी पांडुचेरी है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये तो हो गई तटरेखा से रिलेटेड बात। अब बात आती है कि भारत के साथ कौन कौन से देश समुद्री सीमा बनाते हैं, भारत के समुद्र में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो इधर पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद इधर ये मिनिकाय है भारत का द्वीप, इससे नीचे पड़ जाएगा, मिनिकाय से नीचे पड़ेगा यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में जो द्वीप है उसको, वो है मिनिकाय, और मिनिकाय से नीचे पड़ता है मालदीव। तो सबसे पहले इधर पाकिस्तान एक, मालदीव दो, श्रीलंका तीन, बांग्लादेश चार, म्यांमार पाँच, नीचे इंडोनेशिया छः, नीचे थाईलैंड सात। तो ये भारत के सात पड़ोसी देश हैं जल सीमा के अंदर। जल सीमा से बस इतना ही, तटरेखा से सिर्फ इतना ही, नौ राज्य तटरेखा पर स्थित है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। कुल नौ राज्य इस पर स्थित है तटरेखा पर, और तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को भी इसमें जोड़ दें तो 1416 द्वीपों की है, और टोटल हो जाएगी हमारी 7516 किलोमीटर। तटरेखा से रिलेटेड बस यही बात। अब चलते हैं स्थल सीमा पर कि भारत की स्थल सीमा कितनी है। तो बात करने लगे अगर स्थल सीमा की, तो भारत की स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। यहां लिख देता हूं, बोर्ड पर आ रही है भाई। हाँ, भारत की स्थल सीमा कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर लंबी, यहाँ से लेकर और इस तरह से घूमकर और यहाँ तक, बांग्लादेश के यहाँ तक, कितने लंबी स्थल सीमा हो जाएगी भारत की? 15,200 किलोमीटर। कौन कौन से देश के साथ लगती है? तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद नेपाल, भूटान, यहाँ म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए भारत के? यही होंगे हमारे भारत के पड़ोसी देश। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं होगा, पड़ोसी उसको कहते हैं जिसकी दीवार से दीवार मिली हो, और यहाँ पर दीवार से दीवार मिली हुई है इन देशों की। श्रीलंका की दीवार को कौन अलग कर देता है? समुद्र अलग कर देता है, इसलिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो कितने पड़ोसी देश हो गए? पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान दो, चीन तीन, नेपाल चार, भूटान पाँच, म्यांमार छः, और बांग्लादेश सात। तो सात देश हो गए हमारे पड़ोसी देश। बात आती है कि कौन से देश के साथ सबसे अधिक सीमा बनती है। तो जो सबसे अधिक सीमा बनती है वो बनती है बांग्लादेश के साथ, लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पहले नंबर पर। चीन के, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा बनती है हमारी? 4,096 किलोमीटर बनती है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर चाइना के साथ बनती है 3,917 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनती है? चीन के साथ बनती है 3,917 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ बनती है हमारी 3,310 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी बनती है? 3,310 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पर जो हमारी बनती है, नेपाल के साथ बनती है 1,752 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे नेपाल के साथ बनेगी 1,752 किलोमीटर। फिफ्थ नंबर पर जो बनेगी हमारी म्यांमार के साथ बनेगी 1,458 किलोमीटर। म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी बनती है? 1,458 किलोमीटर। बात करें भूटान के साथ, तो भूटान के पास साथ बनती है 587 किलोमीटर।
भूटान के साथ हमारी सीमा बनती है 587 किलोमीटर, और बात करें अफगानिस्तान के साथ तो अफगानिस्तान के साथ बनती है हमारी 106 किलोमीटर। ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा बनती है ये पाक अधिकृत कश्मीर में बनती है जो अब पाकिस्तान के हिस्से में है, लेकिन इस पर भारत हम अब भी अपना दावा रखते हैं क्योंकि विलय के हिसाब से हमारा हिस्सा है, तो इसलिए अफगानिस्तान के साथ भी हम अपनी सीमा लगाते हैं। और कितने लगती है अफगानिस्तान के साथ? 106 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारे सीमा के हिसाब से देश कि किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश के साथ 4096, दूसरी चीन के साथ 3917 किलोमीटर, तीसरी पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, फोर्थ नंबर पे आ जाएगी हमारी नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, फिफ्थ पे आ जाएगी म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, सिक्स पे आ जाएगी हमारी भूटान के साथ 587 किलोमीटर, और सेवन्थ पे आ जाएगी हमारी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब कौन सा राज्य किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से इसे डस्टर, एक मिनट भाई देखते हैं दोस्तों कौन सा देश कौन से राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश जो बनाता है वो पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। बात करें म्यांमार की तो म्यांमार बनाता है आपका मिजोरम के साथ सबसे लंबी सीमा। मिजोरम से ऊपर चलेंगे, म्यांमार से ऊपर चलेंगे चीन, चीन से पहले भूटान, भूटान जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बनाता है असम के साथ, उससे आगे नेपाल, नेपाल जो सबसे अधिक सीमा बनाता है वो बनाता है बिहार के साथ, उसके बाद चीन, चीन जो सबसे अधिक सीमा बनाता है वो बनाता है लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बनाता है जेएंडके के साथ सबसे अधिक सीमा, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो सबसे अधिक सीमा बनाता है वो बनाता है राजस्थान के साथ, तो इन राज्यों के साथ ये देश सबसे अधिक सीमा बनाते हैं। आ रहा है ना पूरा? हाँ, ये देश इन राज्यों के साथ सबसे अधिक सीमा बनाते हैं। बात करते हैं कि भारत के कितने राज्य विदेशों के साथ स्थल सीमा बनाते हैं या अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थल सीमा बनाते हैं, तो पहले थे 17, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए अब रह गए सिर्फ 16, और वो 16 राज्य हैं कौन कौन से जो अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान, किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ, उसके बाद यहाँ पर पंजाब, ये भी पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, यहाँ पर जे एंड के, किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ, फिर चीन के साथ जे एंड के, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हिमाचल प्रदेश यहाँ है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड चाइना के साथ बनाता है, फिर नेपाल के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल के साथ यहाँ पर बिहार, यहाँ पर फिर नेपाल के साथ यहाँ पर बनाता है पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ भी बनाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल यहाँ से इस तरह से गया हुआ है और यहाँ तक फैला हुआ है, तो नेपाल के साथ भी बनाता है पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम किसके साथ बनाता है? नेपाल और भूटान के साथ, सिक्किम बनाता है नेपाल और भूटान के साथ, यहाँ पर फिर
अरुणाचल प्रदेश, ये असम, असम बनाता है भूटान के साथ। यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहां पर नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के नीचे यहां पर मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर से नीचे यहां पर मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद यहां पर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पर मेघालय, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ पर ये मेघालय बांग्लादेश के साथ ही बना रहा है भाई, मेघालय। तो टोटल कितने राज्य हो गए जो विदेशों के साथ सीमा बना रहे हैं? गुजरात एक, राजस्थान दो, पंजाब तीन, हिमाचल प्रदेश चार, उत्तराखंड पांच, उत्तर प्रदेश छः, बिहार सात, पश्चिम बंगाल आठ, सिक्किम नौ, असम दस, अरुणाचल प्रदेश ग्यारह, नागालैंड बारह, मणिपुर तेरह, मिजोरम चौदह, त्रिपुरा पंद्रह और मेघालय सोलह। तो 16 राज्य ऐसे हैं भारत के जो विदेशों के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करते हैं। जे एंड के, जम्मू और कश्मीर पहले राज्य था तो 17 राज्य थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए ये अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो राज्य रह गए कितने हमारे, 16। तो 16 राज्य विदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करें पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य करते हैं, इसको मैं मिटा दूं एक बार यहां से। लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य करते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जे एंड के। चीन के साथ कौन कौन से करते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नेपाल के साथ कौन कौन से करते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ कौन से करते हैं? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ फिर यहां पर अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य सारे के सारे विदेशों के साथ टच होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो स्थल सीमा को छूते हैं और ना ही जल सीमा को छूते हैं। तो यहां पर पंजाब के नीचे हरियाणा, 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 हरियाणा के नीचे यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे यहां तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर की तरफ यहां पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर की तरफ यहां झारखंड। तो ये भारत के पांच राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये राज्य ना तो तटरेखा को छूते हैं और ना ही स्थल रेखा को छूते हैं, वो किसी देश की स्थल रेखा को छूते हैं। पांच राज्य ऐसे हैं, 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थल सीमा को छूते हैं, 9 राज्य ऐसे थे जो तटरेखा को छूते हैं। बात करने लगे कि कितने देशों के साथ भारत स्थल सीमा भी बनाता है और जल सीमा भी बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ स्थल सीमा भी बनाता है, जल सीमा भी बनाता है। म्यांमार के साथ स्थल सीमा भी बनाता है, जल सीमा भी बनाता है। बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा भी बनाता है और जल सीमा भी बनाता है। तो ये हो गई बात राज्यों की। बात करते हैं बॉर्डर, नियंत्रण रेखा की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, ये इसका बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा।
रेडक्लिफ रेखा कब अस्तित्व में आई थी? 17 अगस्त 1947 को। कितनी लंबी है? अभी मैंने आपको बताई दिया था कि इसकी लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर है। बनाई किसने थी? सर रेडक्लिफ ने। सर रेडक्लिफ ने बनाई थी कब? 17 अगस्त 1947 को, हमारी आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद में। ये रेखा रेडक्लिफ रेखा, जब ये पूर्वी, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहाँ भी रेडक्लिफ थी और यहाँ भी क्या थी? रेडक्लिफ थी, भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में। तो अगर आज की बात करने लगेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा ही है, क्योंकि इसका ही निर्धारण यहाँ भी किया गया था और यहाँ भी किया गया था। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, और रेडक्लिफ रेखा अफगानिस्तान, ये सॉरी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी है। कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा खींची गई थी? सर रेडक्लिफ द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान और भारत के बीच में 106 किलोमीटर जो ये लंबी रेखा है, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा वैसे है पाक अधिकृत कश्मीर में, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, सिर्फ 106 किलोमीटर लंबी है, और इसका नाम है डूरंड रेखा। और यही डूरंड रेखा आगे चल के यहाँ ऐसे आ जाती है और भारत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। इस डूरंड रेखा की स्थापना हुई थी 1896 ईस्वी में। किसने की थी? सर डूरंड ने। सर डूरंड ने की थी। बात करते हैं चाइना और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, यहां से चाइना और भारत के बीच में इस तरह से रेखा है यहां पर, उसके बाद यहां पर ये। तो भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब बनी थी? 1914 में शिमला समझौते के दौरान। किसने बनाई थी? सर मैकमोहन ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेखा क्या पड़ गया? मैकमोहन रेखा पड़ गया। बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात करते हैं एक बार। त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश सीमा बनाता है, सिर्फ त्रिपुरा राज्य के साथ जो सीमा बनाता है, त्रिपुरा राज्य के साथ जो सीमा बनाता है उसका नाम है शून्य रेखा। सिर्फ त्रिपुरा राज्य के साथ कौन सी रेखा बनाता है बांग्लादेश? शून्य रेखा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं शून्य रेखा। ओके, तो ये हो गई हमारी रेखाओं की बात। दो रेखा और हैं, एक यहां पर ये और एक रेखा ये दो रेखा है। इस रेखा को बोलते हैं LOC, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। 1948 में जब वहाँ की स्थानीय जनजातियों के साथ पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो यहाँ के राजा थे हरी सिंह, उन्होंने भारत की मदद मांगी और भारत ने अपनी वहाँ पर सेना इस शर्त पर भेजी थी कि आप कश्मीर का विलय भारत में कर देंगे। तो कश्मीर विलय पर हस्ताक्षर के बाद भारत ने यहाँ पर अपनी सेना भेज दी थी, लेकिन नेहरू जी के कारण ये केस UNO में चला गया और आज तक वहीं पर है। और यहाँ पर इस युद्ध विराम के दौरान ये क्षेत्र पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के बीच में जो ये लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो ये लाइन खींची हुई है ये, इसका नाम है LAC। इस लाइन का क्या नाम है? LAC।
सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम अक्साई चीन, ये चीन के कब्जे में है क्षेत्र, और यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं LAC। 1962 के युद्ध में जब चाइना के साथ युद्ध था 1962 का, तो जब युद्ध विराम हुआ था तो दोनों देशों की सेनाएं जहाँ जहाँ थी वो वहीं पर रोक दी गई और वहाँ पर ही एक लाइन खींच दी गई, और ये हिस्सा पाकिस्तान के इसके चाइना के हिस्सा में पहुंच गया, इसको ही अक्साई चीन बोलते हैं। बात करें LAC की लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 752 किलोमीटर है, लगभग कितनी है 752 किलोमीटर है। बात करें LOC की, तो इसकी लंबाई लगभग 4000 के करीब है, 4000 किलोमीटर। तो ये दो रेखा और थी, तो इस तरह से भारत की स्थल सीमा और जल सीमा और महत्वपूर्ण जो लाइनें थी, नियंत्रण रेखा थी, वो हमने इस चैप्टर में कवर की है। अब नेक्स्ट चैप्टर भारत का परिचय का एक और रह गया है बस, और उसके अंदर हम भारत के सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे, उनकी राजधानी, उनके बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। अगर आपको कुछ कमी लगती है वीडियो के अंदर तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि भाई आपने ये कमी कर दी है, आप कमेंट्स कीजिए नीचे कि क्या कमी है वीडियो में, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको सुधारने की। दूसरी बात, ये सारे के सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस कॉपी के अंदर मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होंगे, ये इस तरह से मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के, इस तरह से ये आपको देख रहे होंगे, ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के अपने, सेम जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही सेम इन नोट्स में मेरे लिखा हुआ है। तो अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए, या जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ उसके क्वेश्चंस की PDF चाहिए, या जो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ उसके क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए, तो आप मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है टारगेट अकेडमी खेकड़ा के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।